बाराबंकी गैंगस्टर कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से पेशी। मुख्तार बोला, एम्बुलेंस प्रकरण का मुकदमा फर्जी है, मामला पंजाब में हुआ था, वहां कोई मुकदमा एम्बुलेंस का दर्ज नहीं हुआ था। यूपी अपराध मुक्त है, यहां मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। वही वकील रणधीर सिंह सुमन ने मुख्तार अंसारी की बहू की जमानत को हाई कोर्ट से खारिज होने की इत्तला दी। सुनकर बाहुबली मुख्तार का मुंह लटका हुआ उदास बोला, ठीक है। ये जानकारी मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने देते हुए बताया। आज पीओ महोदय अवकाश पर थे, उनकी जगह श्री कृष्णचंद सिंह साहब जो है इंचार्ज पीओ के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्तार अंसारी साहब ने आरोप मुक्त प्रार्थना पत्र में ये बताया कि ये घटना जो है एम्बुलेंस की वो पंजाब से संबंधित है, क्योंकि एम्बुलेंस का उपयोग दुरुपयोग जो है पंजाब का बताया जा रहा है। तो ना पंजाब का इसमें कोई गवाह है, ना पंजाब में कोई सूचना है, तो यहाँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ये केस नहीं चल सकता है। ये बात उन्होंने बताई। फिर मैंने उनको एक सूचना देनी थी, न्यायालय की परमिशन से उनको बता दिया गया कि निकाह अंसारी साहिबा की जमानत जो है माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। कौन है निकहत अंसारी? निकहत अंसारी कौन है? ये इनकी पुत्र बहू है। अच्छा, क्या बोले फिर मुख्तार अंसारी? उन्होंने कहा ठीक है, और उनका चूंकि न्याय प्रक्रिया के ऊपर भरोसा है तो आगे का प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे।